आप सबको पता ही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो भारत की है, भारतीय जनता पार्टी। इसके 5-10 प्रवक्ता हैं जो दिन भर टीवी पर दिखते हैं, पर इतनी बड़ी पार्टी ने मेरा बहिष्कार किया हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का जो दावा करती है बीजेपी, उसने मेरा बहिष्कार किया हुआ है। ये उसकी हार है। सारी जीत बैलेट बॉक्स से नहीं होती है। इतनी बड़ी हार लेकर वो इतिहास के किस गर्त में जाएगी मैं जानता भी नहीं, पर उम्मीद जरूर है कि आप लोकतंत्र की लोक व्यवस्था पर अगर हमला करेंगे तो वो गर्त सबके लिए बनती है, उसमें कोई अपवाद की तरह नहीं बन जाता है। जब हम पत्रकारिता का मूल्यांकन करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, कहते हैं वहाँ भी देख लीजिए, वहाँ भी देख लीजिए। मेरा कहना है कि क्या हम 2014 से 2019 के कालखंड को स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकते? इसमें क्या दिक्कत है? इसके रेफरेंस पॉइंट में हम क्यों नहीं देख सकते कि इन 5 सालों में जो अखबार और टेलीविज़न की पत्रकारिता रही उसकी क्या हालत हुई और क्या हालत की गई? अगर हम इन्हीं 5 सालों का मूल्यांकन कर लें तो शायद हम विशेष रूप से हिम्मत रख पाएंगे कि हम पीछे भी जाकर उसके रेफरेंस पॉइंट से चेक कर पाएं। जो एक्सक्लूजन का, जो हटाने की जो प्रक्रिया हुई, अलग थलग करने की प्रक्रिया हुई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की घटना से होती है। जबकि वो लाभ लेकर आते हैं तब, जब वो अन्ना आंदोलन के दौरान जो मीडिया भूत प्रेत में जो रमा हुआ था, जो 2012 में दुनिया को ख़त्म कर रहा था, जब रिपोर्टर स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ लाए थे और किलो में रिपोर्टर को भेजा जाता था रात को और सुनसान भूत प्रेत की आवाज़ें आती थीं और TRP मिलती थी और इस तरह के कार्यक्रम चलते थे कि आ गया तालिबान, अभी 30-40 किलोमीटर और दूर है, वो अभी आज तक आया नहीं। तो मीडिया लिबरेट हुआ, स्वतंत्र हुआ, खूब सवाल पूछने लगा, कॉमनवेल्थ के समय था, उसी का लाभ उठाकर वो आए थे। उनको पता था कि मीडिया की ये आज़ादी बहुत दिनों तक रही, तो ये सवाल तो फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। तो पहले दिन से सवालों पर हमला हुआ। पूछने वाले को कहा गया कि आप खांग्रेसी हैं, कांग्रेसी की जगह खांग्रेसी कहा गया, फिर कहा गया कि आप कम्युनिस्ट हैं, फिर कहा गया कि आप नक्सल हैं, और इसी दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, कलबुर्गी की हत्या होती है, पंसारे साहब की हत्या होती है, तो कहा गया कि आप अवार्ड वापसी गैंग हैं। ये बात को भुला दिया गया कि साहित्यकारों ने अवार्ड क्यों वापस किए थे, क्योंकि साहित्य अकादमी ने शोक प्रस्ताव पास करने के बुनियादी काम नहीं किया था, इससे रुष्ट होकर वो वापस किए गए थे। तो अवार्ड वापसी गैंग बनाया गया, फिर एंटी नेशनल बनाया गया, फिर एंटी इंडिया बनाया गया, फिर अर्बन नक्सल लाया गया, फिर नक्सल लाया गया, फिर प्रो मुस्लिम लाया गया, फिर सेकुलर गैंग लाया गया, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग लाया गया, और इन सब का जो महा जो लेवल था सबसे बड़ा कि आप एंटी मोदी क्यों हैं। बताया नहीं गया था कि हमारे देश में ललना का अवतार हुआ है, सोहर गाना है। बताना था कि हम सबको 2014 के मतदान के बाद सोहर गाना है कि अवतार हुआ, और इस तरह से ये कैंपेन चलाया गया कि अभी कुछ दिनों पहले जब ये SSC CGL एक परीक्षा होती है, इसमें 30-40 लाख बच्चे बैठते हैं, तो इनकी खबर मैंने दिखाई तो एक लड़के ने कहा कि आज मैं पहली बार आपका चैनल अपने घर में चलाऊंगा, क्योंकि मैं मानता था कि आप गद्दार हो, देशद्रोही हो, और मेरे पिताजी आपका प्रोग्राम नहीं देखने देते थे। तो एक इंडिविजुअल को, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कोई सामान्य प्रक्रियाएं हैं, नहीं नहीं,
ये मेरे से भी संबंधित नहीं है, लेकिन मैं चूंकि उसका उदाहरण बन गया हूं तो बता रहा हूं कि किस तरह से पूरी ताकत लगा के एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड किया गया। ये बहुत आसानी से कोई भी राज्य सत्ता कर सकती है, लेकिन सवालों पर इन हमलों के जरिए जो पूरी प्रक्रिया बनी वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं थी। ये एंटी मोदी का जो पूरा जाके जो वर्क बनता है उसके भीतर एक प्रो मुस्लिम था। लगातार हमारे चैनलों ने और अखबारों ने इस 15-16 करोड़ की आबादी को एक्सक्लूड किया है, और ये 5 साल तक ये प्रक्रिया चली है, अलग अलग तरह के बहसों को लाकर, अलग अलग तरह के विषयों को लाकर। जब कभी उन कार्यक्रम को बनाने वाले लोगों की अंतरात्माएं जागेंगी 10-20 साल के बाद, तो जिंदगी के इस दौर को याद करेंगे और सो नहीं पाएंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही थी कि सवाल को ख़त्म करना है, और सवाल को ख़त्म करना ही पत्रकारिता को ख़त्म करना है, प्रतिपक्ष को ख़त्म करना है, विपक्ष को ख़त्म करना है। पहले आपको पप्पू नाम के जोक से हंसाया गया, आप हंसने लगे। किसी को पप्पू कहा जा रहा था, आप हंस रहे थे। धीरे 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 आपको पूरे इस विपक्ष को इसी तरह से हंसने के लायक बनाया गया। तो हमारे जो पत्रकारिता है, हम उसे 2014 से 19 के बीच ही देखेंगे, और नरेंद्र मोदी सरकार के नाम से ही देखेंगे। दाएं बाएं करने से कोई फायदा नहीं है। हमारी जो पत्रकारिता थी उसने पहले धर्मांधता, राष्ट्रवाद, ये सब खाल ओढ़ ली है। खाल नहीं, अब उसको शॉल कहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐड भी मिलते हैं, तो खाल अब वो शॉल की तरह चमकती है। तो इस तरह से हमारी पत्रकारिता का एक जो निरंतर जो थीम है, आप चैनलों पर ले लें, और ये कोई 4 चैनल नहीं है आपके देश में, कई 100 चैनल हैं। हम तो अपने दैनिक चर्चाओं में 2-3 एंकरों और 2-3 चैनलों को ही रेफरेंस लेकर व्यस्त रहते हैं, लेकिन कई 100 चैनल हैं, और इनसे लगातार ये प्रक्रिया चली है राष्ट्रवाद और धर्मांधता के नाम पर। तो मुझे हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री ने मतदाता को जागरूक करने के लिए कुछ पत्रकारों को ट्वीट किया टैग करके, तो बड़े अभिभूत हुए। जिन चैनलों ने और पत्रकारों ने उनके शासनकाल में जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, वो जागरूक करने का एक छोटा सा हिस्सा सौंप रहे थे ताकि वो 70-80% मतदान हो जाए और ये कहा जा सके कि लोकतंत्र कितना जागरूक है। और उस पूरे लोकतंत्र को आप सूचना विहीन बना दें, वो 100% भी मतदान कर रहा है, तो वो जागरूकता किस काम की। तो माहौल बनाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया, लोगों को बहुत इसमें गर्व हुआ। धीरे धीरे हमारे चैनल कब उस हिंदू कुंठा के ध्वजवाहक बन गए जिसका शायद उनको इंतजार था। सारी नैरेटिव, सारा डिबेट आप जाकर देखिए, तो वो उस हिंदू कुंठा को रचने में लगे हुए। न्यूज़ चैनलों पर अगर आप देखें तो पहले के पत्रकारिता में सांप्रदायिकता विलेन हुआ करती थी, आजकल कौन खलनायक, सेक्युलर होना खलनायक। टुकड़े टुकड़े गैंग बनाया जा बताया जाता है, लिबरल बताया जाता है, सेक्युलर बताया जाता है, इन सब को कारण बताया जाता है कि इनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और वो सांप्रदायिकता को की ढाल को बचाए रखने के लिए आप राष्ट्रवाद का लेकर आते हैं, तो हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि बहुत तरह के मुद्दे गढ़े जा रहे हैं जो लेजिटिमाइज किया जाता है। कोई नेता बयान देता है और कोई नेता ट्वीट करता है, इसको लेकर लेजिटिमाइज किया जाता है, और हफ्तों हफ्तों एक विषय पर डिबेट होता है राम मंदिर को लेकर।
कुंभ के दौरान अगर आप टेलीविजन चैनल को खोलकर देख लें तो पूरी डिबेट जो है उनकी वो किस चीज़ को लेकर है, तो वो राम मंदिर को लेकर है। और जो स्क्रीन पर जो बातें लिखी गई हैं, जो फ्लैश लिखे गए हैं, जो सुपर लिखे गए हैं, उनकी भाषा देखिए आप, वो किसकी तरफ से लिखे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको देखते देखते, आपको दिखाते दिखाते इन टीवी चैनलों ने आपको किस तरह से बदल दिया है। और एक बयान आता है कि नहीं, हम चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, और वो सारा डिबेट गायब हो जाता है। दरअसल वो 3-4 हफ्ता या 5 हफ्ता या 1 महीना वो समय था जब रोजगार को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे थे, जब तरह तरह से अर्थव्यवस्था की संकट की खबरें सामने आ रही थी, टीवी को इनसे बचना था। तो बचाने के लिए हर समय एक लेजिटिमाइज तरीका से कोई बयान दे देता है, और वो चूंकि आसान हो जाता है, वहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेकर ये डिबेट के मंच सजाए जाते हैं। एक मौलवी साहब खलियर मिल जाते हैं, एक कोई और हिंदू संगठन के खलियर मिल जाते हैं, दो लोग आते हैं और एंकर इसमें तीनों मिलके जो सांप्रदायिकता और हिंदू कुंठा को उभारने का जो काम करता है, आपको लगता है कि ये किसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। उस पैमाने से भी देखें तो वो हिंदुओं के साथ बड़े अन्याय कर रहे हैं। क्या हिंदू नौजवानों को नौकरी नहीं चाहिए?